गुड मॉर्निंग, मैं पूर्व सैनिक गोपाल कृष्णन बोल रहा हूँ। अब इस वक्त हम कमला मार्केट थाना में हैं, जो कि हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिटेन किया गया है। अब इस वक्त हम थाने में जो पुलिस का गिरफ्त में है, सैनिक गति जम के बैठे हुए हैं। प्रशासन भी जो स्टेट है और दिल्ली से भी एजेंसियां यहां पूछ चुकी हैं। अलग अलग गले चल रही है, मीटिंग चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चारों तरफ नहीं, हमारे पूर्व सैनिक है, प्रशासन भी दिखाऊंगा कि प्रशासन यहाँ किस हिसाब से पूछा हुआ है। ये तो जड़ी थोड़ा बहुत है प्रशासन, मैं और दिखाऊंगा आपको कि हजारों की तादाद में प्रशासन, पुलिस, एजेंसियां सारी यहाँ पूछी हुई हैं। तो मैं एक सबसे पहले आपको एक लंबी टंकी दिखाता हूँ सैनिक भाइयों, और देख सके तो आप देख रहे हो ऊपर जो ये इसके ऊपर बैठे हैं, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय प्रधान सुबेदार प्रगट साहब, और उनके साथ में तीन बंदे अपने लुधियाना से त्याल जी, और वो सब इस टंकी के ऊपर बैठे हैं। और उन्होंने एक जड़ी शपथ पत्र भी दिया है, वीडियो भी दिया है प्रशासन को कि अगर कुछ भी हो गया सैनिकों के साथ में या पुलिस ने कोई जाति की, लाठी चार्ज किया, कुछ भी किया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर से जो टंकी पे जो बैठे हैं वो उन्होंने तेल की शीशी भी लेके बैठे हैं, यहाँ तक माचिस तेल, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बड़ी हमने भी बहुत समझाया कि नीचे आ जाए, पर अभी तक वो नहीं आते क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दिए हैं। और 12 घंटे से ऊपर हो गए ट्रैक जाम किए हुए, पहली बार हुआ है कि जवान यहाँ तक पूछे। वो भी देखते हैं कि क्या गले हैं उसमें। मैं एक बार आप लोगों को प्रशासन भी दिखाता हूँ पूरा का पूरा कि किस लेवल में परमाशन ये सुझाव रखे, बहुत ही अच्छा सुझाव रखे हैं, और ऐसे सुझाव हमें आपस में मिलकर सुरक्षियों को देने चाहिए, जाकर ये आगे कार्रवाई करेंगे। सैनिक भाइयों, यो आप देख रहे हो पूरा प्रशासन बड़ी लाखों में, ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, अभी इतना प्रशासन डाला हुआ है यहाँ पे, इतना प्रशासन, पुलिस, फोर्स, जबकि पता नहीं इसको मान को क्या हो रखा था, पता मान के कौन से हम खेत में घुसे हुए थे। मुख्यमंत्री इतना प्रशासन, मैं और भी दिखा देता हूँ नीचे से, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में इस लेवल पे और 12 घंटे तक ये ट्रैक कोई मामूली नहीं है भाई, कदे कोई भाई ये कहे कल ना कि बहुत ही नॉर्मल ट्रैक है, ये वो ट्रैक है जो ऊपर नीचे सब जगह से जाता है, बहुत मेन ट्रैक है ये। सुरजीत बाजी, और सुरजीत बाजी चेयर साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका स्वागत। जड़ी जड़ी एक हमारे बीच में पत्रकार भी पहुंचे हैं, कड़वे सामने वाले एक बार वो एक बार प्रशासन का दुखा दे वीडियो है चलन देने शेयर करते रहना भाई, आप लोगों को हम दिखाते हैं पूरा। गाड़ी कहाँ खड़ी है? ये सारे पत्रकार हैं भाई, बहुत बड़े नेशनल लेवल के पत्रकार हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों तक इन्होंने आवाज पहुंचाई है, सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद देना सर। लो सर ये लाइव में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाड़ी है खड़ी है हजारों के उसमें भाई, प्रशासन भी कितने जा रहे सर? चाय चुए पिया दो। मेरे ख्याल में भाई आप गिन नहीं सकते इतना भयंकर सब कुछ, जड़ी कई डिस्ट्रिक्टों का प्रशासन इतने भी मंगवाया, कितने डिस्ट्रिक्टों का मंगवाया सर? सुरजीत सर लगभग तीन चार दा कुछ होना चले गया, 3-4 हजार तो गाड़ी है, 15-20 कितने को गए हो? और अभी जे हम थोड़ा वापस बड़ाल शायद हो गए, जहाँ शहर तो हो गए
काफी पहला तनाव पूर्वक होया सी जदों उदों काफी गिनती सीगी शायद थोड़ा माहौल भी ठीक है थोड़ा प्रशासन तो मुख्यमंत्री की रैली में नहीं मिलता जिन्ना देख लो भैया मैं ये देखो चारों तरफ ने वज्रा लास्ट तक है लास्ट वो किन्ने किले का है मैदान इसमें सब में भरी पड़ी क्योंकि पंजाब पुलिस और आर्मी असी एक ही सिर्फ ही फर्क है बहुत वधिया गलबात प्रशासन ने देखो मैं इनको दूर से भी दिखा रहा हूँ कि ना बस ये बस पे कैसे चढ़े कि इन्नी है ये हजारों की तादाद में बसे और सर हाँ जी सत श्री अकाल और हजारों में प्रशासन की गाड़ियाँ प्रशासन मतलब आप गौरव करोगे जड़ी जो आज का दिन है एक अगर सच्चाई में मैं कहूँ तो ये गौरव करोगे कि सैनिक भाई यहाँ तक इस लेवल तक अपना संघर्ष कर सकते हैं सर अपनी बच्चे कहाँ है ठीक है सुरजीत सर फिर सर और दसो फिर ये किन्ने घंटे के करीब हो गया सर बहुत बहुत सत श्री अकाल सर अच्छा अच्छा भाई ओम प्रकाश सर ठीक है सर बहुत आपकी रोज देखता हूँ मैं वीडियो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अच्छा अंबाला पंचोखरा साहब से चलो सर क्या जड़ी किसा लग गया तेन आज इन्ना चंगा कि आपने कभी सोची थी कि इस लेवल तक सैनिक अपनी मांगों को उठा सकते हैं और ये कोई छोटा मोटा तो ट्रैक नहीं है कि देखो वैसे 10 महीने से ये सरकार भी जालिमों वाली है बहुत लड़े मैं तो बस के ऊपर चढ़ के दिखाने आए बिंटू मैं तो बस पे खड़े अपनी बस कहाँ मैं बस पे चढ़ के दिखा देता कहाँ पे वर्ज वाहन ये अपनी नहीं है कोई भी अपनी वो साइड में ले गए थे कितने करवा दिया था एक ये रही बस है वो बाद में आई है बाकी हमारी बस सभी निकाल दी थी आज की रहा सर फिर ये दसो की रहा किन्नी ये किन्नी नफरी होगी तो बहुत लाखों में से ये दिख रही है पूरे के पूरे प्रशासन किन्ना है ये देखो प्रशासन की भी काफी नफरी थी हमारी भी काफी थी लेकिन मेरे को लग रहा है कि हमारे से गिनती ज्यादा प्रशासन की थी तो चलो बढ़िया एक कंबाइंड ये आज हमारा हो गया ये मान लेते हैं अच्छा बहुत बढ़िया अभी के अभी ट्रैक के छोड़ दिया या अभी नहीं छोड़ोगे अभी राजपाल जी से जो हमारे को संदेश आएंगे अगर उनसे अच्छा संदेश आता तो छोड़ेंगे नहीं तो मतलब आप लोगों ने कही है कि रवि जाम कर सकते हैं हम जी, कि आज एक सैनिकों की जो अनुशासन हो उसको ना तड़वा के कि भाई इसको परमानेंट भी कर सकते हैं एक सरकार को केंद्र को एक वो किया है कि जड़ी जम्मू तो आया कला बस मिल जाओगी मिल गई हाँ मिल जाएगी बिल्कुल सर ये तो अभी क्या बोलते हैं ना ट्रेलर है तो आगे अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी अगर सेंट्रल सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो फिर इससे भी बड़ा हम और लंबा वो हम प्रोग्राम रखेंगे तो ट्रेलर क्यों दिखाते हो पूरी पिक्चर क्यों नहीं दिखाते भाई तुम सबका बड़े जड़ी छोटी ट्रेलर की है ऐसा है सर हम संवैधानिक लोग हैं हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते क्योंकि हम पूरी नौकरी लोगों के लिए की देश के लिए की हम ये वेल्थ नहीं डालना चाहते कि ये जो पब्लिक
आम पब्लिक तंग हो, इसलिए हम इतना सही करते हैं, अगर भी सरकार को छोटे छोटे संदेश देते हैं। ये देखो आला दर्जा कौन थे ये, कौन थे ये एडीजी थे, मतलब पूरे प्रशासन साथ में थे, और डीसीपी साहब थे साथ में, चंडीगढ़ से अधिकारी सुबह के डीसी मैम भी साथ में थे। अच्छा, चंडीगढ़ से और भी अधिकारी, बड़े अधिकारी भी हैं। जी जी हैं, बिल्कुल जी, बड़े लेवल पे हैं। जी जी, तो बहुत बहुत मीडिया भी खूब यहाँ पे आई हुई है। जी ये देखो, अब ये कहाँ से दिखाऊं यार, कितने हजारों की तादाद में, हजारों में लाखों में यहाँ पे पुलिस प्रशासन चारों तरफ से। कितने सुरजीत पाजी, और अभी खाली नहीं किया है, अभी गले चल रही है, मीटिंग होने लग रही है, और प्रकट मैं गल करवाता हूँ की सर हमारी फोटो खींचने यंत्र मंत्र में ठीक है। हजारों की तादाद में सब नमस्कार, तो ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा साहब जी, सुरजीत भाजी बहुत बहुत मैं बस होगी भाई, अभी ट्रैक के जाम ही है बाद में, और जो बात होगी कोई नई तो वो बताएंगे सर। फोटो सुरजीत भाजी कुछ और कोई नहीं, नई गलत तो दस दो मैं, फिर मैं वो करता हूँ। अभी तो चली है जी, बिल्कुल अभी राजपाल जी से अच्छा जाएगी कमेटी, और आगे जो होगा कमेटी बताएगी। अच्छा अच्छा, परमानेंट वीजा कर सकते हैं, यही मैसेज आपके अंदर को देंगे। तो राज्यपाल से की गल करोगे, राज्यपाल को की से हम यही बात करने जा रहे हैं कि ये ट्रैक जो आज थोड़ी टाइम के लिए रोका गया, थोड़ी टाइम के लिए 12 घंटे और जी निकालोगे आप ये ट्रैक, कहा किन्नी है, किन्नी ट्रेनें जाती हैं सर? बिल्कुल जी, वो हम तो थोड़ा टाइम ही बोलेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से दो किन्नी पता नहीं, मैंने पूरी की पूरी ट्रेनें रद्द हो गई, पूरी बड़ी लाइन की है, और ये तो ऊपर तक जाती है पठानकोट पूते जम्मू आई भी भाई। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो आज अब कहाँ जाएंगे, मतलब राज्यपाल, राज्यपाल जी से हम चंडीगढ़ जाएंगे, और हम उनसे कमेटी जल्दी से जल्दी बनाई जाए, नहीं तो हम इसको लंबा भी करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब आप केंद्र के पास मैसेज पूछवा रहे हो राज्यपाल के थ्रू कि ये ट्रैक जो जाम किया है ये 12-14 घंटे के लिए नहीं है, परमानेंट भी कर सकते हैं हम, और ये जाके बता दो कि भाई राज्यपाल के थ्रू कि ये बता दो केंद्र को, माननीय प्रधानमंत्री को कि ये परमानेंट भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छी गल की कि अब की बार